अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के एक नहीं संडे स्पेशल दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट विथ चॉकलेट सॉस। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना और बहुत ही कम सामान से ये बन जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ब्रेकफास्ट की रेसिपी। के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ली हुई एक ब्रेड का पैकेट, ये डिलक्स ब्रेड का पैकेट है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने हर्शीज का चॉकलेट सॉस ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने दो चम्मच के करीब शक्कर ली हूँ और एक अंडा ली हूँ। आप अंडे को एक से दो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक ही ली हूँ। और शक्कर हम कम ही यूज़ करें क्योंकि हमें चॉकलेट सॉस का भी यूज़ करना है इस वजह से। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ली हूँ। तो मैंने इस दूध को बॉयल नहीं की हूँ, आप बॉयल दूध भी ले सकते हो, लेकिन क्या है मॉर्निंग का टाइम है, मुझे बहुत देर हो रही थी, तो इस वजह से आप लोगों को भी अगर देर हो तो आप लोग बिना बॉयल दूध भी ले सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर दूध में मैंने ये सबसे पहले मैं ये शक्कर मिक्स करूँगी। इस शक्कर को दूध में अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक कि ये मतलब इसमें से आवाज़ आना बंद ना हो जाए। तो इसे अच्छे से हम दूध में पहले मिक्स करेंगे। तो इसमें शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ये एक अंडा डालूंगी और इसे भी दूध के साथ और शक्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए इसमें अंडा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइस बाहर निकाल ली हूँ पैकेट से जितनी मुझे चाहिए। और यहाँ पर एक नॉनस्टिक की पैन में मैंने एक चम्मच घी गरम की हूँ। आप लोग कोशिश करें कि जब ये रेसिपी ट्राई करें अपने घर तो नॉनस्टिक की पैन ही यूज़ करें क्योंकि ये ब्रेड काफ़ी चिपकते हैं इस वजह से। तो अब ये एक ब्रेड की स्लाइस को मैं इस तरह से दूध के बैटर में मिक्स करके डिप करके, तो इस तरह से मैं दूध में डिप करके इसे इस तरह से फ्राई करते जाऊँगी। हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और क्योंकि ये काफ़ी उड़ता है जब हम घी में डालते हैं। तो जितने आपके पैन में आ सके उतने आप एक बारी में डालिए। ये देखिए उड़ना इसका स्टार्ट हो चुका है। तो आप काफ़ी केयरफुल होकर इस रेसिपी को ट्राई करें। हाँ, फिर डालने के बाद आप वो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हो। तो जब हम इसे फ्राई करने रखें तो इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर ये मिल्क भी डालते जाएंगे जो अंडे और शक्कर का है। तो इससे ब्रेड और ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेंगे। तो अब हम इसे इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से कलर आया है। अच्छा, ये फ्राई होते टाइम टूट भी जाते हैं कभी कभार, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इसे हो सके तो नॉन स्टिक की पैन में ही फ्राई करना। ये देखिए, देख सकते हो आप लोग। तो इसी तरह से अब मैं सारे फ्राई कर लूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे फ्रेंच टोस्ट बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन फ्रेंच टोस्ट को चॉकलेट सॉस लगा के स्प्रेड करूँ। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर ये चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ। निहायत ही यम्मी सा बनता है ये। आप लोग अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप लोग बना के दे सकते हो इसे। बच्चे सुबह सुबह इस तरह का नाश्ता करके बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह।
ये देखिए माशाल्लाह से यमी यमी सा फ्रेंच टोस्ट बनके रेडी हो चुका है विद चॉकलेट सॉस। तो ये थी आज की मेरी मॉर्निंग की रेसिपी ब्रेकफास्ट की, और इंशाल्लाह आज मैं डिनर की भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। अब मैं ये आप लोगों को खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो माशाल्लाह से इतना यमी लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो मेरे कहने पे आप लोग एक बार इस छोटी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का रिस व्लॉग्स के चैनल पे। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में एक रेसिपी शेयर की हूँ, जिस रेसिपी का नाम था फ्रेंच टोस्ट विथ चॉकलेट सॉस। और इंशाल्लाह अभी जो मैं शाम में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उस रेसिपी का नाम है चिकन तंदूरी कबाब, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट किए हैं, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन का बटन क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ मार्केट और कबाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाने के लिए। चिकन तो मेरे हस्बैंड सुबह ही ले आए थे, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी उसमें, मतलब बहुत सारी तो नहीं, लेकिन जो जो चीज़ों की ज़रूरत है तो वो मैंने सोची कि मैं खुद ही हस्बैंड के साथ जाकर ले आऊँ, क्योंकि क्या है हर चीज़ फिर उन्हें याद नहीं रहेंगी। तो इस वजह से मैं खुद जा रही हूँ उनके साथ। तो अगर मार्केट में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना रहा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वरना फिर डायरेक्टली घर आ जाऊँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी ही। बस अब आ गई हूँ मैं बाहर, और यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी मार्केट में नहीं रुकूँगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ शांति मार्केट और साइबर कैफ़े, हमें कुछ ज़रूरी काम है वहाँ पर, तो बस वहीं पर जा रहे हैं पहले हम, फिर आने के टाइम हम अपने घर का सामान लेंगे, तो भी मत लेना है हमें। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ मार्केट, और आज माशाल्लाह से आज का 2-3 दिन से माशाल्लाह से मीरा रोड का माहौल बहुत अच्छा है। जैसे कि सबको पता था कि मीरा रोड का माहौल कुछ दिनों पहले बहुत ख़राब हो चुका था, पर अल्लाह का रहमो करम है कि अब माहौल देख सकते हो आप लोग कि काफ़ी अच्छा है। सारी मार्केट लग चुकी है, सारी दुकानें खुल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो मतलब 23-24 जनवरी को यहाँ का माहौल ऐसा था कि मतलब बहुत मशहूर हो चुका था मीरा रोड, है ना वो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा यहाँ का माहौल हो चुका है फिर से पहले जैसा। अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करें सब कि यहाँ का मतलब माहौल काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो चलो फिर चलते हैं अभी शांति मार्केट। तो मैं अभी आई हूँ एक बेकरी में, और यहाँ से मैं ले रही हूँ, ये देखिए ये पुडिंग ले रही हूँ जो बहुत ही यम्मी होती है। तो मेरे हस्बैंड जब भी इस बेकरी की तरफ आते हैं तो ये पुडिंग हमारे लिए ज़रूर लेकर आते हैं। तो ये पीस के हिसाब से मिलती है, और ये देखिए यहाँ पर बेकरी आइटम भी बहुत फ्रेश मिलते हैं, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए काफ़ी फ्रेश आइटम मिलते हैं बेकरी आइटम। तो मेरे हस्बैंड अक्सर आते हैं यहाँ से, तो लेकर आते हैं सामान, पार्सल है। तो ये देखिए ये पार्सल कर रहे हैं यहाँ पर प्लीज। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि ये वाला, उसके अलावा ये यहाँ पर स्विस रोल है अलग अलग फ्लेवर के। कौन कौन से फ्लेवर के ये? पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। ये देखिए स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और चॉकलेट, तीन फ्लेवर के यहाँ पर इनके पास स्विस रोल है। तो ऑब्वियसली मैं तो लूँगी यहाँ पर मेरा फेवरेट चॉकलेट क्रीम। तुमको कौन सा चाहिए? देखते मेरे हस्बैंड कौन सा लेते हैं। ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल। तो मोइन को स्ट्रॉबेरी ले लो। तो हम लोगों ने तीनों अलग अलग फ्लेवर के लिए है। एक ये क्रीम रोल भी डाल लो, क्रीम रोल में एक ही फ्लेवर है। हाँ एक ये भी डाल लो। हाँ तो यहाँ से बेकरी से मैंने अभी ली हूँ आज पुडिंग और स्विस रोल और क्रीम रोल। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से केक के पैकेट भी है। कौन से केक के फ्लेवर है? हाँ कौन से फ्लेवर के ये
वेनिला। और यहाँ पे देखिए ये पेटीज वगैरह भी है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर इस तरह से सारा बेकरी का आइटम है, देख सकते हो आप लोग। नहीं, वो बड़े नान नहीं थे, छोटे नान नहीं है ना। तो मेरे हस्बैंड फिर से वापस बेकरी के अंदर चले गए, मैं यहाँ पर बाइक के पास खड़ी हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं चिकन तंदूरी कबाब बना रही हूँ, तो उसके साथ हम उसे रात में पाव के साथ इंजॉय करेंगे। तो उन्होंने बोले कि जब बेकरी में आए हैं तो हम पाव भी ले लें, तो बस अभी वापस पाव लेने के लिए गए हैं बेकरी के अंदर। और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ सामान के पास। तो ये देखिए आ गए पाव लेकर। अच्छा हुआ ना याद दिलाया तुमने पाव लेने का। ये देखिए इस तरह से हम थैला लेकर ही निकलते हैं ना, वो जो भी आता है सामान तो फिर हम इस में डाल देते हैं बैग में। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। और ज़रा इधर तो देख लो, आजकल सलाम नहीं दुआ नहीं भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो चलो फिर आगे चलते। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए, जहाँ पर हम पहले रहते थे। तो मैं उसी जहाँ पर हम जो एरिया में पहले रहते थे, तो उसी शॉप में, तो उसी तरफ आई हूँ मैं पानी पूरी खाने। यहाँ की पानी पूरी बहुत गर्मी होती है, तो बस वही खाने आई हूँ। अब यहाँ से आई हूँ मैं सब्ज़ी लेने में आई हूँ सब्ज़ी मार्केट। ये देखिए मैंने गवार की भाजी ली हूँ। और अब यहाँ से मैंने कोथमीर पुदीना और हरी मिर्च ली हूँ। थैली रखे, चलो ये भी रखो। और वापस से अब बाइक पे बैठते हैं और आगे चलते हैं। अभी मुझे चाहिए प्याज और आलू, वो लेना है मुझे। बनाना ले रहे, तैयार है हा? देखो मेरे को तो नहीं लग रहा तैयार देख के लो, क्योंकि क्या है वो तैयार नहीं रहते ना, तो छिलके इतने मोटे मोटे रहते हैं ना कि अंदर से फिर कच्चा रहता है, इस वजह से। तो चेक करने के बाद पता लगा कि तैयार ही है, तो बस अभी वही पैक करा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट लगता है मीरा रोड में, सुबह के वक्त भी शाम के वक्त भी दोनों वक्त मार्केट लगता है। बैग में रखो। चलो जी मैं आ गई हूँ घर और अब करते हैं रात के डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 500 ग्राम्स चिकन बोनलेस, साथ ही यहाँ पर मैंने ली हूँ चिकन तंदूरी मसाला। ये मेरे पास इस तरह से लिक्विड में है चिकन तंदूरी मसाला। स्टार्ट करते हैं आज के डिनर की रेसिपी, चिकन तंदूरी रेशा कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गरम पे रख दी हूँ। अब मैं इसमें ये बोनलेस चिकन डाल दूँगी, साथ ही मैं इसमें ये चिकन तंदूरी मसाला भी डाल दूंगी सारा। उसके अलावा मैं इसमें एक नींबू का रस डालूंगी, एक छोटा चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। जिसमें चिकन तंदूरी मसाला ली थी उसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से चिकन में डाल दूंगी। और इन सारी चीज़ों को चिकन में अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए हम चिकन को कवर करके रखेंगे, ताकि इसमें ये जो तंदूरी मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह। तो पानी सूखे तक हम इसे थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने मसालों में चिकन को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं ये पानी सूखे तक, पानी बहुत कम डालना है हमें इसमें, आधा छोटा कप होता है ना उतना ही डालना है बस, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करती है। तो मैं अब इसे कवर कर दूँ और पानी सूखे तक कुक होने दूँ। तो ये देखिए सारा पानी सूख चुका है और चिकन तंदूरी मसाला भी चिकन पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँ, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ मैं। उसके बाद मैं इसमें क्या क्या मिक्स करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए चिकन ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसे अच्छे से रेशा कर ली हूँ। अब यहाँ पर मैंने ली हूँ एक मुट्ठी पुदीना, इसे चॉप कर ली हूँ। एक मुट्ठी ली हूँ हरा धनिया, इसे भी चॉप कर ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्ची ली हूँ, इसे इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एक चम्मच मैंने चिली फ्लेक ली हूँ एक्स्ट्रा स्पाइसी के लिए, तो अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें मैं ये यहाँ पर श्रेडेड चिकन में ऐड कर दूँगी। उसके अलावा बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर चार बॉयल आलू लिए हूँ, तो इसे मैंने इस तरह से मैच की हूँ, तो इसे भी मैं अभी इस चिकन में मिक्स कर लूँगी।
उसके अलावा मैं इसमें ये बारीक कूटा धनिया ज़ीरा डालूंगी। ये भुना हुआ धनिया ज़ीरा है तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। अब सारी चीज़ों को हाथों की मदद से एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हाथों में हल्का हल्का सा ऑयल लगा के मैं इसे कबाब का शेप दे दूंगी। तो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ शेप देते हुए। तो सब जब सारे कबाब को मैं शेप दे दूंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए सारों की मैंने इस तरह से कबाब के शेप दे दी हूँ। तो मुझे 500 ग्राम यानी आधा किलो चिकन में मुझे 28 कबाब बने हैं, 28। तो मैं सारे अभी फ्राई नहीं करूँगी, कुछ मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम कर ली हूँ, साथ ही यहाँ पर मैंने दो अंडे फेंट ली हूँ थोड़ा सा नमक डाल के। अब इस कबाब को अंडे में डिप कर करके मैं फ्राई करती जाऊँगी। देखिए अभी फ़िलहाल मैंने इतने कबाब पैन में फ्राई करने रखी हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो मेरे पैन का स्पेस ज़्यादा है तो इस वजह से एक साथ 10 कबाब आ गए इसमें। अब मैं करूँगी इसके साइड चेंज। देखिए कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। क्या है ना, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और एक हाथ से ये करो ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या कलर आया है, गज़ब का, इस पर देख सकते हो आप लोग। तो अब मैं जब इसे प्लेट में निकालूँ तो इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब डिश आउट करती हूँ तब। माशाल्लाह से गज़ब के चिकन तंदूरी रेशा कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, लग रहे हैं ना यम्मी यम्मी से। तो मैंने इसे टेस्ट भी की हूँ, ये सिर्फ यम्मी यम्मी से लग नहीं रहे, ये वाकई बहुत यम्मी बने हैं। साथ ही मैंने पुदीने और हरी मिर्ची की चटनी भी पीसी हूँ और साथ ही है यहाँ पर नरम पाव, इसे इसके साथ हम इन चिकन के कबाब को इंजॉय करेंगे। तो आ जाए आप लोग भी खाने के लिए। तो आज का आप लोगों को मेरी दोनों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही आज का आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताना। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।